व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारा पहला पार्ट होने वाला है ऑफ द पीवीई सीरीज़। और ये मैं रात को पता नहीं 3 साढ़े 3 बजे रिकॉर्डिंग मार रहा हूँ, इसी टाइम पे ही मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट एनीवेज, सो गाइस वेलकम टू अनदर स्ट्रीम लॉल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पीवीई सीरीज़। को मैं नया सीरीज़ करके डालूँगा पूरा, और ये डेली नहीं तो या फिर 2 दिन में एक बार अपलोड होगा ही होगा, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। तो चलो बिना किसी रोक ठोक के सब्सक्राइब बटन दबाओ जो नीचे है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो यार क्या क्या करना है मेरे को, इफ़ यू वांट मी टू डू समथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेवल अप कर लिया मैंने, और एक ड्रॉप से मेरे को ये सब चीज़ें मिल गई है जो कि मेरे को अभी देख रहे हो। और ये मैंने बना लिए रीयूजेबल वाले चीज़ें, और ये सब चीज़ें मैं रख ली है अंदर। ये मेरे को मिला ड्रॉप से, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निकली। तो गाइज यहाँ पे हम बेस बनाएंगे, एक जस्ट अ स्टार्टर बेस फॉर द स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, ठीक है ना, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू बॉय। यहाँ पे लगा रख लेते हैं अपन। और गाइज इसमें मैं सोच रहा हूँ लाइक अलग अलग वीडियोस भी डालूँगा, जैसे कि यू नो यहाँ पे डालें, कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा बीच रहेगा आई थिंक, थोड़ा बड़ा सा करना पड़ेगा मेरे को। हाँ ये साइज़ ठीक है, बट आई थिंक मेरे को ज़्यादा वुड लगेंगे मे बी। पता नहीं क्या हुआ, एनीवेज सो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही एक, दिस इज जस्ट अ स्टार्टर होम, एज ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा मैंने जानबूझ के किया हुआ है, बिकॉज ये ठीक है फॉर एज अ स्टार्टर, दिस इज ओके आई गेस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम और एक बड़ा कर सकते थे शायद, बट आई एम नॉट गोना डू इट बिकॉज ये ऑलमोस्ट मिल रहा है। इस तरफ कर सकता हूँ मैं भी, देखना पड़ेगा, नहीं इधर ही रहने दो, फिर डुअल डोर लगा लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। और देखते हैं, मैंने अभी तक रैंप भी नहीं बनवाए हैं, और मेरे को कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 चलो, और फाउंडेशन बना लेते हैं हम, ठीक है। और गाइज ये जो सीरीज़ है ना बहुत स्लो स्लो करेंगे, टेंशन नहीं, बिकॉज मैं हर मैप पे जाके एक एक सीरीज़ करने वाला हूँ अभी, एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न यू नो क्या बोलते हैं हम, थोड़ा इधर उधर बहक जाते हैं विद सम स्टफ। सो जो मैंने स्ट्रीम नहीं की जो 1 वीक थोड़ा मतलब कुछ चल रहा था घर में, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू, जिसको भी इफ़ समबडी वांट्स टू नो अबाउट इट क्यों स्ट्रीम नहीं कर रहा था करके, ठीक है ना। सो या समथिंग वाज गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट स्ट्रीम। एनीवेज यहाँ पे कर ही लेता हूँ फिर मैं, अगर कर रहा हूँ ना तो कर ही लेता हूँ, हेलो चलो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम बीच में रख सकते हैं इस जगह को, ठीक है, बट मेरे को थोड़ा मॉडर्न टाइप का करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे बूमरैंग यूज़ कर सकते हैं अपन, मतलब क्या ही बताएं। एनीवेज यहाँ पे थोड़ा करते हैं ना, 6 कर लेते हैं, 6 रैम्स चाहिए मेरे को, और मैंने अभी तक रैम्स डाले भी नहीं हैं। वाई, बिकॉज अरे भाई 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 किधर डाल रहा है, हेलो चलो ये हो गया रैम, ठीक है ना। अब पीछे भी कर लेते हैं,
पीछे का जो रास्ता है वो भी ऐसे ही कर लेते हैं हम। चलो ये हो गया, नाइस, अच्छी खासी दिख रही है मेरे को। अब थोड़ा रेलिंग वेलिंग लग जाए तो मज़ा आ जाएगा देखने का। सोच रहा हूँ वुडन रेलिंग लगा लूँ, मैं वही सोच रहा हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सही है, ऊपर एक, इधर ऊपर एक, चलो ये सही हो गया। यहाँ पे भी एक, और इस तरफ हम एक बना सकते हैं, सो यहाँ पे एक हो गया, नाइस, ऑन द स्ट्रेट लाइन, बहुत सही है। और इस साइड हम थोड़ा ओपन रखेंगे। मैं कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई बॉयज। नहीं, मेरे को अंदर की तरफ चाहिए थी ये। हाँ ये सही है, सही है, नाइस, जी, सही है भाई, बहुत सही है, अच्छी लग रही है, नाइस, आई लाइक इट। मेरी तरफ से तो हाँ है भाई साहब, पर पीछे का एक दरवाज़ा रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ब्रो, है ना। आई थिंक ज़्यादा वॉल्स चाहिए ही चाहिए, पता नहीं क्यों बट चाहिए ब्रो। इसको ऐसा कर सकते हैं अपन, अरे ये क्या हो गया, अरे नहीं कर सकता वो, नहीं, नहीं चला सकता क्या? क्या सकते हैं, डेमो, डेमोगन, ये रहा डेमो, डेमोगन इज़ वेरी गुड यार, मतलब जिसने भी डेमोगन के बारे में सोचा था ना, बहुत सही सोचा था ब्रो, सही बहुत बोल रहा हूँ मैं, इट्स सो इजी टू पिक स्टफ। हाँ नाइस, अब यहाँ पे एक और जाएगा क्या, अरे यहाँ जा सकता है, नाइस, अगर जा सकता है ना तो चलने दो भाई साहब, हद है, हद है भाई। हाय अंदर से अंदर ही टूटा मैं। चलो आई थिंक ये साइज़ सही है, मेरे को अच्छा खासा लगा साइज़। फिर यहाँ से हम बंद कर लेंगे, बट यहाँ से मेरे को चाहिए था उस तरफ, सो इधर से करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। हाँ चलो, हाँ आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कुछ चाहिए। ये हटाना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, पता नहीं क्यों। बिकॉज़ पता नहीं मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगा ब्रो। ये क्या हो रहा है, स्नैप नहीं हो रही है क्या? हाँ ये हो गई, अब सही है एक्चुअली, अभी सही लग रहा है मेरे को। बिकॉज हाँ ये सही है, ये सही है भाई, है ना, हाँ ये अब सही लग रही है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे के, अपन ये लगाएंगे, फिर अपन ये लगाएंगे, ठीक है, और इस तरफ भी वही लगाएंगे, ये लगाएंगे और ये लगाएंगे। फिर आई थिंक मेरे को चाहिए वॉल्स, चाहिए डोर्स भी चाहिए, सो हम थोड़े वॉल्स बना लेते हैं यहाँ पे, बट मैं सोचा विंडो डोर बना लेते हैं, ये अच्छा रहेगा आई गेस, मेरे को अच्छा लगा ये वाला चीज़, जे विंडो, विंडो लेके आते हैं अपन, थोड़ा विंडो है, मैंने बना के रखा था ये रहा, मतलब सारी चीज़ें अभी तक नहीं बनाई है, बनेगी बनेगी भाई, टाइम लगता है बनने के लिए।
और हाँ, इसमें मैं कुछ स्पॉन वन कुछ नहीं कर रहा भाई। लोग इफ एनीबडी इज वॉन्डरिंग के भाई तू स्पॉन कर रहा है एंड ऑल, नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने खुद बनवाए हैं सब, मैंने खुद ब खुद किया हुआ है, ठीक है। और थोड़े, अरे सीलिंग तो है, वॉल्स चाहिए थे मेरे को। वॉल्स, येरा वॉल्स, 20 वॉल्स शुड बी फाइन। वुड और फाइबर नहीं है तो हम एक काम करते हैं, पहले वुड लेके आ जाते हैं यहाँ से। अच्छा खासा वुड तो मिल जा रहा है, वो तो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने थोड़ा हार्वेस्टिंग अच्छा खासा रखा है, ठीक ठाक रखा है वैसे। और दे दो मेरे को हार्वेस्टिंग की भैंस की आँख, सही है। हेलो, क्या हो गया? हाँ चलो, बहुत थार्ड। मेरे को थोड़े पिल्लर्स भी बनाने हैं ब्रो, बिकॉज पिल्लर्स बनाने के बाद मेरे को स्टोन के पिलर बनाएंगे। हाँ स्टोन के पिलर ही बनाएंगे अपन। चलो फाइबर, 400 फाइबर, 500 फाइबर के आसपास हो तो गया। अब मेरे को वॉल्स बनाने दो, कितने वॉल्स? बस दो ही बनाऊंगा, नहीं एक्चुअली नहीं, दो तो कम हो जाएगा, आई थिंक सो। चल 10 बना लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। भाई साहब 74 बनेगा, चल 10 बना लेते हैं अभी, अभी के लिए 10 बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ आई थिंक ये सही है, ठीक है अब ये सही है। और इधर हम डोर लगा लेते हैं एक, और यहाँ पे भी एक डोर लगेगा। ओ ये रहा, लग गया, नाइस, जी, बहुत सही था। और यहाँ पे भी लगेगा मेरे को। आई थिंक आई नीडेड मोर वॉल्स बाय द वे। नहीं हो गया, अरे हो गया, नाइस ब्रो, बहुत सही था ये वाला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये डोर लग गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ यहाँ पे। चलो इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे नीचे जाओ। हाँ ये भी ठीक है, कोई ना। ओके ये आई थिंक मेरे को ज़्यादा चाहिए थे भाई, इसीलिए। अभी ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ अभी। नाइस, ये सही लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। और ये साइड भी सही लग रहा है मेरे को, कर लेंगे साइड पे। ऐसा कोई वांदा तो नहीं है, पर मेरे को रेलिंग्स मांगता है। आई नीड रेलिंग्स, सो आई विल गो फॉर 40 रेलिंग्स। दैट्स फाइन, अगर ज़्यादा होगा तो भी फाइन है ब्रो, उसकी चिंता नहीं है मेरे को। हाँ ये सही लग रहा है मेरे को। अंदर से अंदर ही टूटा हमें, स्मॉल। चल दे दे 10 10 बहाने करके ले गया दिल, तो दिल तो ले गया भैंस की आंख इतने बहाने करके। अब साला दे ही दो, ये कवर अप तो हो गया, ठीक है।
और फिर ये भी कवर अप होना मांगता है। चलो ये पूरा कवर हो गया विथ रेलिंग्स, सही है। यहाँ पे ऑब्वियसली मेन तो बनेगा ही बनेगा। चलो ये बन गया अभी मेन, ठीक है ना। ऊपर का सीलिंग भी लग गया। अब मेरे को बस एक थोड़ा आइडिया मिला है, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे। चलो अभी पहले मेरे को ये लगाने दो। चलो ये तो हो गया कवर अप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ना, ये मेरे पास 10 है, ठीक है। तो एक एक कोने में एक एक लगा लेते हैं, या फिर एंट्रेंस यहाँ पे लगाए। चलो यहीं पे लगा लेते हैं, फिर थोड़ा लाइटेड तो रहेगा एटलीस्ट। चलो ये लग गया, सही है। अब मैं सोच रहा था थोड़े वॉल्स बनाएंगे अच्छे खासे। रुको मैं बताता हूँ, वॉल्स मेरे को चाहिए कितने, 26 बना सकते ना। चल बना ले। इंटरेस्टिंग। चलो लेट्स सी, यहाँ पे लगाते हैं अपन। अबे तोड़ दिया भैंस की इसने, क्या बावली हो गई है क्या ये। अबे यार क्या ही बताऊँ इसको मैं। हाँ अब चलो ठीक है, अब बस मेरे को एक चीज़ करवानी है, जो कि है ये चीज़। पता नहीं होगा या नहीं होगा, आई हैव नो आइडिया। सो चल रेलिंग बनानी है ना, मैं वुडन बना लेता हूँ दो दो, फिर उठा लेंगे अपन। ठीक है लेट्स सी, मैं कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। सो हाँ अब मेरे को देखने दो एक्चुअली। ओके ग्रेट। मेरे को लगता है ये कॉर्नर का मेरे को रखना पड़ेगा, और बाकी सबको करना पड़ेगा वो। चलो ये लग गया, ठीक है, और ये लग गया, सही है। फिर ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये लग गया, ये हट गया, सही है। फिर ये यहाँ पे आ जाओ। हेलो क्या कर रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया,
फिर मैं गया यहाँ पे, इसको हटाया, इसको इसको और फिर इसको। यस यस, ये रुक रहा है, रुक रहा है। ये भैंस की आंख नहीं रुकेगा, भैंस की आंख नहीं रुकेगा तो मार दूंगा मैं तेरी। चलो कुछ तो मिला जो कि हम कर सकते हैं। ये रहा, तो न्यू बेस डिजाइन कुछ कर रहा हूँ। सो या दैट लुक्स डोप मैन, है ना? दैट लुक्स फ्रिकिंग डोप। नाइस। अब एक काम कर सकते हैं अपन, इस तरफ है। सो यहाँ से लेके इधर बीच बीच में अपन ये रह सकते हैं शायद। ये किस लिए क्या चाहिए? थैच चाहिए ना? रुको। सो गाइस आई नो इट्स गोना बी थोड़ा लेंदी रहेगा, बट ट्रस्ट मी ब्रो। एंड नाउ लेट्स डू दिस दैट दैट। सही है, नाइस, बहुत सही लग रहा है मेरे को। सेम ओवर हियर। एंड देन वी गो लाइक दैट। देन आई थिंक दिस वॉज अ गुड आइडिया मैन। ये आइडिया मेरे को अच्छा लगा। इसमें दोनों को चाहिए शायद। इधर निकालना पड़ेगा क्या? मेरे को लग रहा है प्लीज। ओह फक। ओके सो एक काम करते हैं, ये बस ऊपर वाले को रखते हैं, ठीक है? एंड देन ये नीचे को निकाल लेते हैं, बस दैट शुड बी एनफ। या आई थिंक ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे को। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील लाइक इट लुक्स मोर प्रोफेशनलिज्म काइंड ऑफ। एंड देन ये गया उधर, ये गया उधर। देयर वी गो, नाइस वन। एंड देन बीच का जाएगा ना? तो ये ले और ये ले। भाई ये इनोवेशन मेरे को बहुत सही लगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, वुड वुड खत्म है भाई। हेलो रुको, वुड खत्म है, अभी लेके आता हूँ भैंस की। रुको, वुड की पैण दिशी, वो क्या उसके बाप को मैं लेके आऊंगा मैं। रुको, ओके सो कितना उठा सकता हूँ? आई थिंक दो उठा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। नाइस, यहाँ पे चलो लगा लेते हैं अपन।
आई नो गाइज, ये थोड़ा डिज़ाइन मतलब सोचा भी नहीं था, अभी लिटरली बनाते बनाते मेरे दिमाग में अभी आया. सो गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक इट. या सही है ना. तो अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे पिलर्स लगा लेता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा. ठीक है ना. हाँ पिलर्स, ये रहे पिलर्स. 20, नाइस. एक्चुअली नहीं यार, पिलर्स भी अच्छा नहीं लग रहा है. छोड़ो कोई ना, पिलर्स अच्छा नहीं लग रहा. वैसे ही सही है. हाँ वैसे ही सही लग रहा मेरे को. टूट कैसे गया? भैंस की आंख साला, हद है भाई. कौन है? अच्छा उसको मारने दो, जो मारना है भैंस की आंख मारो. चलो मैं तो सोचा था वैसा वाला करने के लिए. यार थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं कैसा लग रहा है पहली बात. अरे भाई भाई भाई, नीचे नहीं गिरना चाहिए था. वे साला मूवमेंट स्पीड भी इतना रख दिया ना मैंने, भाई क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही बताऊँ, क्या ही बोले भाई. चिराग भाई का मतलब दिल छू गया यार. चिराग भाई क्या ही बोले, क्या ही बोले मैं भाई. 100 रुपीज़ का सुपर चैट भाई, कतई जहर. और भाई क्या चाहिए यार एक यूट्यूबर को. हाँ ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को, लग रहा है ना मेरे को, अच्छा लगा. सही है भाई, नाइस वन. लेट्स गो. यहाँ पे हेलो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगवाने दो, वहाँ पे लगवाने दो. यहाँ पे लगवाने दो और यहाँ पे लगवाने दो. ओके अब मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा. अबे यार भैंस की आंख, कैसे ऊपर जाऊं मैं? अभी कुछ रखा ही नहीं है. चलो उसको बाद में देखते थे, पहले अपन चलते हैं अपने बेस के अंदर, क्या क्या रखेंगे. हाँ पहले तो ये होना मांगता है ऑन दिस साइड. हद है भाई, हद है, हद है, हद है. सही है, नाइस. जी, बहुत अच्छा था. यहाँ पे हम कुकिंग वुकिंग करेंगे अपना, जो भी फूड वूड लेके, ठीक है ना. और फिर चार चार फोर्जेस लगाएंगे इस तरफ. पता क्या सोच रहा हूँ, फोर्जेस बाहर लगाते हैं इस बार. लेट्स गो, इधर लगाएंगे इस तरफ. चार चार फोर्जेस आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे, एक एक करके, मतलब यहाँ से. ठीक है ना, आई थिंक ये सही रहेगा. लग गए फोर्जेस भी, लग गए. ठीक है ना, फिर यहीं पे लगा देते हैं. स्मृति तो नहीं है,
बुक शेल्फ देखते हैं बाद में, पहले एक काम करते हैं। मेटल कितना है भाई अपने पास? हेलो, पता नहीं भैंस की आँख। हाँ, ट्रांसफर टूल से ले चलते हैं। ऑल स्ट्रक्चर्स मेटल चाहिए और वुड भी चाहिए टू फोर्ज। देखते हैं कितना पर। हाँ चलो सही है फिर। और इसका क्राफ्टिंग स्पीड क्या है? ठीक है, कोई ना, इसको देख लेंगे बाद में फिर। ठीक है ना, अब अंदर देखते हैं। चलो अंदर बस दो ही आ रही है, दैट्स फाइन। यहाँ से पुट आउट फायर कर सकते हैं अपन आई गेस, बट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। फिर मैं सोच रहा हूँ बेड अंदर लगा लेते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, चार एक्चुअली, मैं छोड़ो रुको, बेड ना एक 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 ही जगह पे लगाएंगे, मैं इसकी अब रुको। चलो एक बेड लग गया पूरा, चार बेड। इसके बाद अंदर तो ये नहीं लगेगा। हाँ, मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा इस बार, थोड़ा टेबल के ऊपर रख के करते हैं हम, थोड़ा जो भी करना है, ठीक है ना। ऐसे कि ये चीज़ हो गया ये। अब यहाँ पे कितनी, तीन है मेरे पास, तो एक दो और तीन। चलो यहाँ पे मोटल पेस्टल भी रह गए, विच इज़ वेरी नाइस। ठीक है, अब स्टोरेज पे चलते हैं। स्टोरेज हम बाहर रखते हैं यहाँ पे, पता नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ बाहर रखेंगे करके, अंदर थोड़ा खुला रखते हैं। तो ये हो गया स्टोरेज, सही है। और फिर यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा मेरे को, और फिर इस तरफ एक लगाना पड़ेगा मेरे को। चलो लग गया ये, सही है भाई। और फिर पीछे तो वैसे चल रही है, वैसे भी चल रही है। फिर यहाँ पे एक लगा देते हैं और यहाँ पे एक लगा देते हैं, चलो सही हो गया। सो गाइस, ये हमारा अभी घर है। अभी इसको थोड़ा अपग्रेड भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं सोचा ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा अपग्रेड मारने के लिए, सही है ना। और स्टोरेज तो अच्छा खासा मैंने कर भी लिया है, मैं बस वेट कर रहा हूँ एक स्मिथी बनाने का, जो कि हम आई थिंक बना सकते हैं अभी। स्मिथी बना सकते हैं क्या अभी? यस, बना लिया स्मिथी। चलो स्मिथी का व्यापार यहाँ पे लगा लेते हैं, स्मिथी, ठीक है ना। और फिर यहीं पे, यहाँ पे हम अपग्रेड स्टेशन भी लगा लेते हैं, थोड़ा खुले में रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है। यहाँ पे लग गया अपग्रेड वाली स्टेशन, सही है। और फिर यहाँ पे बस थोड़ा एक कैंप फायर वाला लगा लेते हैं, सही है। और बैठने के लिए चेयर लगवा लेते हैं। लग गई चेयर, सही है। और उसके बाद अंदर ही हम यहाँ पे प्रिजर्विंग बिन रख लेते हैं, ताकि ये थोड़ा कवर अप भी हो जाए। हाँ सही है, चलो कोई बात नहीं, गुड इनफ। और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ये गाइस ए वाला, मैंने जानबूझ के ए रखा था ब्रो, बिकॉज़ फॉर सम रीज़न मेरे को ऐसा लगता है कि ए का जो जेनी होता है ना, वो आई थिंक कम यूज़ करता है चीज़ें, सो दैट्स वाई। एनीवेज, फिर इसके बाद बुक शेल्फ, मैं सोचा बुक शेल्फ बाहर ही रखते हैं अपन, इधर ही रखते हैं अपन बुक शेल्फ। चलिए, ये थोड़ा खुला खुला हो गया, बहुत सही लग रहा है मेरे को, सही है। यहाँ पे स्टोरेजेस भी हैं, यहाँ पे लगानी है, यस।
इस तरफ एक लगाते हैं थोड़ा टॉर्च पे। क्या चाहिए भाई टॉर्च के लिए? वॉल टॉर्च के लिए क्या चाहिए? सीमेंटिंग फेस्ट वगैरह चाहिए जो कि नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं, स्टैंडिंग टॉर्च बना लेते हैं दो, इट विल बी फाइन। टू मैं इसके यहाँ पता नहीं लग ही नहीं रही है वे, क्या ही बताएं हम। चलो आई थिंक दिस इज़ बहुत लाइटेड भी है, अच्छा खासा लग रहा है मेरे को, और थोड़ा लाइक रियलिस्टिक भी लग रहा है, सही है ना। और यहाँ आ चुके हैं हमारे डिल्लो महाराज, मैं इसको मारूंगा पहले, रुको। अबे नाइस, अब इसको मैं मार लूंगा, रुको। चलो सो गाइस, आई थिंक ये वाला आई थिंक बहुत अच्छा लगा मेरे को फॉर श्योर। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो है, वो बोले तो मतलब क्या उसको, क्या ही बोले उसको। और हाँ यहाँ पे गाइज जो स्टोन पिक विक वगैरह है वो रीयूजेबल है, इफ़ एनीबडी डजंट नो, ये जो इन्फिनिटी सिंबल है ना इसका मतलब रीयूजेबल ही होता है। सो या ये है गाइज गाचा क्लॉज, मैंने इवेंट ऑन करके रखा है सो इसलिए गाचा क्लॉज है इसके अंदर। इसको ऐसे खोल के अंदर डाल सकते हैं मेसल्टो या फिर कोल डाल सकते हैं। यही चल रहा है तो चलने दो भैंस की आँख, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, अभी टाइम कितना हुआ है, 23। ओके कोई बात है नहीं। अरे बुलडॉग टेम कर सकते हैं इसको, एक काम करते हैं बुलडॉग टेम करते हैं, थोड़ा लाइट वेट रहेगा अपने बेस पे, अच्छा वाला लाइक नेचुरल वाला, ये लो। चलो 19% टेम हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे बुलडॉग भी बहुत अच्छा खास से मिलते हैं। और हाँ गाइज मैं पूरा कंप्लीट करूँगा ये भाई, मतलब ये बोल रहा बीच बीच में बहुत बोला कि भाई करेंगे करेंगे करके, बट कर नहीं पा रहा था। सो या इसको टेम कर लेते हैं पहले। लेवल ठीक है 96, वैसे मतलब कुछ वांदा नहीं है मेरे को 96 लेवलों से। मैं एक काम करता हूँ पहले, हेलो ये टेम हो जाए पहले, रुक जाओ अभी एक मिनट, रात हो गई है। ये मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को चाहिए थी भैंस की आँख मेटल इसके लिए। खिला दिया, नाइस। चलो और दो में टेम हो जाएगा, बस दो ही चाहिए मेरे को, उसके बाद टेम हो जाएगा। ये ले बस, और एक आई थिंक और एक ही लेगा, यस और एक ही लेगा। और उसके बाद गाइस देखते हैं कितना लाइट इसका एमिट कितना होता है, बिकॉज़ वो मेरे को देखना है। अगर भाई इस बल्ब डॉग के थ्रू से अगर मतलब अच्छा खासा लाइट होता है ना, तो भाई साहब मैं कतई बल्ब डॉग की लाइनें लगा दूंगा। भाई क्या जहर लग रहा है यार बेस पीछे से, बहुत सही लग रहा है यार मेरे को तो, गंदा मतलब क्या ही बताएं, बहुत जहर लग रहा है। हाँ चलो कोई ना, अब इसको थोड़ा लेवल अप मारते हैं। सो एक लेवल हेल्थ पे, दो चार्ज पे गया, वेट पे, एमिशन रेंज, एमिशन रीजन बढ़ा लेते हैं, बस आई थिंक दैट शुड बी एनफ। कैपेसिटी हाँ चलो ये कैपेसिटी तो बढ़ गई है, लेट मी सी टर्न ऑन करके। अरे भाई साहब ये तो खुदा ही मतलब टर्न ऑन होने के बाद भी अच्छा खासा एमिशन रेंज है, इधर तक है आई थिंक। दरवाजे बंद दरवाजे में नहीं आता, चलो कोई ना तुम ऑफ हो जाओ। उसके बाद मैक्स वाइल्ड लेवल क्रिएचर हाँ एनेबल है, हाँ चलो ये सही है, लेट्स गो। और गाइज यहाँ पे एक ट्रॉफ बना लेते हैं हम, लेट्स गो ट्रॉफ।
चलिए एक फीडिंग ट्रॉफ बना लिया। कहाँ रखें? उस तरफ रखते हैं, कोई ना। लेट्स डू इट। नाइस वन। पहली बात ये करते हैं अपन, पहले स्पार्क पॉड बना लेते हैं, ठीक है ना। आई थिंक स्पार्क पॉड बनाने में ही लाइक दैट्स गोना बी अ वाइज डिसीजन, ठीक है। सो गाइस हियर वी गो। कैसा लगा यार बेस, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि गाइस डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो पे थोड़े अपग्रेड्स के साथ ऑन द बेस, ठीक है। सो लव यू, सी यू एंड पीस आउट। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट लाल बटन दबा दो और लाइक ठोको। विद दैट ओवर एंड आउट।